ये भी बताओ ना शेप्स मैंने बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी हिंदी में 1 2 3 हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और अभी मैं चाय बनाऊंगी और अभी टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज चुके हैं। और अंशु देखिए यहाँ पे गेम खेल रहा है। हेलो करो। तो बहुत दिनों बाद तैयार हुए तो अजीब सा लगता है, और मेरी तो आदत ही छूट गई थी तैयार होने की। तो बहुत दिनों बाद मैं तैयार हुई। देखो मैंने ऑयलिंग किया है बालों को, मॉर्निंग में ऑयलिंग किया था और अभी बाल बना दिए हैं। काम तो मेरा 1 बजे तक सारा काम हो गया था, और बस क्लेचर लगाया है सिंपल सा। और है ना, हवे की वजह से बहुत उड़ते हैं बाल, तो इस वजह से मैंने ऑयलिंग कर लिया है। और देखिए मैंने आज कान के भी चेंज कर लिए हैं, और इसके साथ में मंगलसूत्र भी आया था तो वो टूट गया ना, तो इसलिए मैंने इयररिंग भी पहने हैं सिर्फ। तो ये वाली इयररिंग पहनी है मैंने, और इसके साथ में मंगलसूत्र भी आया था। मंगलसूत्र टूट गया है तो कोई नहीं, मैंने यही वाला सिंपल सा पहना है क्योंकि अभी गर्मी है ना तो बहुत चुभता है, इस वजह से सिंपल सा ही अच्छा लगता है। तो चलो उधर चले, किचन में चले। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं चाय बना रही हूँ और अंशु मेरे पास में बैठा हुआ है, और 4 बज चुके हैं शाम के। तो मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, पर कभी कभी पी लेती हूँ, तो यही है। शाम के टाइम कभी हम कोई फ्रूट लाते हैं तो वो खा लेते हैं, नहीं तो चाय तो होता ही है। और देखिए चाय के बिना तो चलता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग चाय पियेंगे, देन आप लोगों से मैं बाद में मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आपके साथ टमाटर क्रशिंग का वीडियो लेके आई हूँ। आई होप सो आपको पसंद आए। और पहले ना मेहंदी लगाते थे, अभी मेहंदी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। पैरों के लिए ठंडक मिलती है इस वाले रेमडीज, अभी गर्मी है तो ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है क्रश करने को, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी जस्ट मैंने फ्रिज में से निकाला है ये टमाटर, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे टमाटर का यूज़ किया है क्योंकि टमाटर हम अपने फेस पे भी लगाते हैं और बहुत ही इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो पैरों के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी गर्मी के दिन है तो पैर ऐसे गर्म हो जाते हैं, मेरे भी ऐसे होते हैं गर्मी हीट की वजह से पूरे पैर ऐसे लाल हो जाते हैं, तो बार बार पैर धोने पड़ते हैं ठंडे पानी से। तो आप ऐसा करोगे ना तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा और एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी आपके स्किन पे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस वाले वीडियो को।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पैरों को क्लीन कर लिया है और बहुत ही फ्रेश महसूस हो रहा था। तो जिस तरह से हम ब्लीचिंग करते हैं ना टोमेटो से, बहुत अच्छे से ब्लीच हो जाता है हमारे स्किन में। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, और आज का मेरा चैलेंजिंग वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे देखिए, अभी चाय, जस्ट हमने चाय पी है और अंशु को दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंशु यहाँ पे दूध बिस्किट खा रहा है। हेलो करो, हेलो करना। तो अभी इसका मूड नहीं है ना, इस वजह से। तो चलो अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ, देन आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, और आज का मेरा चैलेंज वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। और चलो अभी मैं खाना बनाती हूँ, देन आप लोगों के साथ में बाद में मिलती हूँ। और आज ना हम दोपहर को सोए नहीं थे, और कल देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन किया था, यहाँ से पूरा काउंटर टॉप को क्लीन किया था। तो यही है, और अंशु बाहर गाड़ी खेल रहा है, और शाम के 7 बज चुके हैं। और यहाँ पे मैं अभी दिया बत्ती कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर नहीं बताती हूँ भगवान जी को, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना कि वो पर्सनल रखनी चाहिए। तो वही है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे ना तो मैं ज़रूर आपको क्लीनिंग और अपना मंदिर का टूर कराऊँगी। तो अभी मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, देन आपके साथ बाद में मिलती हूँ। मैं भी रखूं? वो नहीं, ये बिल्डिंग ब्लॉक से घर बनाने का है, ये बॉक्स मेरा है ना। हेलो किया, और हमारा खाना वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अंशु के लिए कुछ स्नैक्स बनाओ, और अंशु भी जिद कर रहा था बाहर। और मेरे हस्बैंड गाठिया बना रहे हैं, और ज़्यादातर हम अभी घर पे ही बना रहे हैं हर चीज़, क्योंकि बाहर का नहीं खाना चाहिए ऐसे वायरस के मौसम में। तो यही है, और कुछ अलग अलग स्नैक्स होते हैं ना, तो बच्चे भी खाते हैं, और गाठिया बहुत अच्छी लगती है इसको, तो हमने सोचा कि ये बना। और अभी इसको निकाल लेंगे और फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। और देखिए गाठिया बनके रेडी हो चुके हैं, और एकदम अच्छे से बने थे, ज़्यादा ऐसे कड़क भी नहीं बने थे, बहुत खस्ता बने थे। और ये देखिए बेसन के से बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग स्नैक्स बनते हैं। तो आप घर पे ही ट्राई कीजिएगा, कोई भी चीज़ अच्छी बनती है और हेल्दी भी बनती है। और अभी देखिए, और यहाँ पे देखिए अंशु आप लोगों को टेस्ट करके बताइएगा कि कैसे बने थे गाठिया। तो चलो मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर मेरे भी।